हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस 2020 साइंस जीके का प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं। यदि आप लोग सेट 1 अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग को वीडियो को जल्दी से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और बता दूं, यदि आप लोगों का किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग साथ साथ कमेंट करके आंसर देते जाइए, इससे पता चलेगा आप लोगों से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और आप लोग जरूर लास्ट में बताइए कि आप लोग 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों से बने, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर अपने मार्क्स शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि आप लोग पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का प्रयोग किया था, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। यदि आप लोग को किसी क्वेश्चन में और ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर उसका आंसर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? तांबा, पारा, प्लेटिनियम या एल्युमिनियम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन बी, एडिपिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आप लोग का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, मोमबत्ती का जलना है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन तो सबसे बनना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा? ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा, आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, आतिशबाजी में हरा रंग किस की उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम, मैग्नीशियम या बेरियम या स्टारशियम? हरा रंग किसके कारण होता है? ये होता है बेरियम के कारण, हरा रंग बेरियम के कारण होता है। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। और इसी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लिया गया, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप लोग को याद रखना है, स्टार्टियम यानी ऑप्शन डी के कारण होता है। किसके कारण? लाल रंग स्टार्टियम के कारण होता है और हरा रंग बेरियम के कारण होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो, क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेवन है, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोना। क्या होगा? ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के में काम आता है, किस अम्ल का या किसका प्रयोग में लाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, भारी जल या सिरके का अम्ल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रोमियम। क्या होगा? ऑप्शन ए आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। चलिए आप लोगों से पूछते हैं, सबसे भारी तत्व कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर शेयर कीजिए। सबसे भारी तत्व कौन सा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं कितने लोग से इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना किस अम्ल में घुल जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अम्लराज। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है,
दिया सलाई में क्या प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर होगा लाल फास्फोरस। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? लाल फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शुद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसोसाइट बनाई जाती है, सॉरी युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसोसाइट बनाई जाती है, ये बनाई जाती है ऑप्शन सी एसिटिलीन से। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो कौन सा एंजाइम होता है? ये होता है माल्टेज। क्या होता है? माल्टेज, जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और 15 है पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ है, पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ कौन सा होता है? ये होता है टेट्रा एथिल लेड। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। शुष्क धुलाई के काम आता है, शुष्क धुलाई के काम आता है, ये आता है ऑप्शन बी बेंजीन। क्या काम आता है? बेंजीन। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दवा बनाने के काम आता है, दवा बनाने के काम आता है बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं, किसके हैं? ये है ऑप्शन सी कार्बन के। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक में प्रयोग में लाया जाता है, हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग में लाया जाता है? आप लोग को बताना है, ये प्रयोग में लाया जाता है लोहा को। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा, होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अरे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फेरस सल्फेट का। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। तो ये रहे टोटल 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन बने कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिए। आप लोग से 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बने आप लोग जरूर बताइए। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो को आप लोग जल्दी से देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।